नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों का सवाल कि शहनाज गिल फ्लिप क्यों मार गई, शहनाज गिल प्राइवेसी क्यों छुपा रही है, शहनाज गिल सिद्धार्थ चुगलगी। बहुत सारे लोग ये वीडियो के नीचे कभी कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग शहनाज को जो है वो इस बात को लेकर के गलत भी समझ रहे हैं कि शहनाज गिल एकदम कैसे फ्लिप मार गए भाई, कैसे प्राइवेट हो गई, क्या वजह है पूरी प्राइवेट होने की। तो ये सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। शहनाज गिल का प्राइवेसी होने का मतलब, जैसा कि पता है कि उनके शुक्ला जी नहीं चाहते कि बिल्कुल भी मेरा वीडियो शहनाज के साथ में कहीं लीक हो। जो शुक्ला जी अपना वीडियो बनाते हैं, खास तौर से उन्होंने जो वीडियो बनवा रखा था वो बनवाया हुआ था उन्होंने व्लॉग के लिए, जो उनको अपने YouTube चैनल पर अपलोडिंग करना था। बाकी अदरवाइज उसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला की और कोई सी वीडियो आप नहीं देख सकते। तो भाई अपने शुक्ला जी जो हैं इन मामलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हो चुके हैं, और इन खास तौर से ऐसे मामलों के अंदर जैसा कि देवोलीना ने क्या बयान दिया था कि मैं शहनाज को देखना पसंद नहीं करती, मैं रश्मि को देखना पसंद करती हूँ। ऐसे ही जो है वो हैटर्स पैदा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो नफ़रत करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तो इसी के कारण शायद सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर सही सोच रहे हैं। तो इस बात को लेकर के काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि क्या शुक्ला जी ने शहनाज को समझाया कि तुम भी प्राइवेसी हो जाओ। देखो भाई, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, कह भी सकते हैं शुक्ला जी, क्योंकि शहनाज गिल की आदत है खुलेआम तौर पर वीडियो बनानी, फोटो वगैरह क्लिक करने, उनकी हमेशा आदत है, हमेशा जो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर सिद्धार्थ की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो वो ढेर लगा दें वीडियो बना बना के, खास तौर से टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग की। तो ये सारा मोमेंट जाहिर सी बात है भाई, शुक्ला जी ने अपने मना किया है अपनी सना को कि यार प्लीज़ ये सब मत करा करो, यार पीछे रहो, मतलब ये सब ना करो। तो ऐसा रहता है अपने शुक्ला जी का कहना, जैसा कि आप बिग बॉस के घर में देखा करते थे, वो हल्के गुनगुनाते रहते थे, वो पता नहीं वो हमारे को भी सुनाई नहीं देता था एक्चुअली में। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की यही प्राइवेसी का मैटर सामने आता है, और सिद्धार्थ शुक्ला अपने शुक्ला जी हर तरीके से शहनाज गिल को कॉपरेट करते हैं, मगर प्यार से कॉपरेट करते हैं, और उनकी महबूबा जो है वो बड़े प्यार से मान भी जाती हैं इस बात को। तो ये है सारा मैटर, किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को कंट्रोल में किया हुआ है। अपने शुक्ला जी खुद तो कंट्रोल में रहते ही, और भाई साथ में अपनी महबूबा को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो फिलहाल आप इस बात से कितना सहमत है जल्दी से अभी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक के नहीं करी लाइक भी कर लीजिए। चैनल पर नए और ऐसी शुक्ला जी से जुड़ी अपडेट्स पाना चाहते हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनसे जुड़ी अपडेट आपको रेगुलर ही मिल रही है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।